हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज प्रवीण कुमार झा वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ राइट वे आज इस चैप्टर की पार्टनरशिप की पास्ट एडजस्टमेंट की क्लास नंबर अलेवेंथ है तो सबसे पहले क्लास नंबर अलेवेंथ लिखिए और आप जानते हैं कि मैं तो क्लास को काउंट ही नहीं करता मैं, मेरा काम क्या है सिर्फ क्या है बताओ पढ़ाते जाना तब तक जब तक पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ना हो जाए क्लास काउंटिंग से क्या होगा सारे अनसॉल्व सारे इलस्ट्रेशन सब डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी बच्चे लिखिए क्लास नंबर कौन सा है राइट ऑन प्लीज क्लास नंबर है आज का एलेवंथ है ना यस सर टॉपिक क्या आज का बच्चा बोलो पास्ट एडजस्टमेंट पास्ट एडजस्टमेंट्स, क्या होता है सर पास्ट एडजस्टमेंट है क्या चीज क्या कहानी है कहानियां क्या है क्या होना होता है इसमें अरे बाबा बहुत सुंदर है, देखिए मान लीजिए कि आपने क्या किया एन एल अप्रोपरेशन अकाउंट बना दिया तैयार आपने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना दिया आपने क्या किया पार्टनर्स कैपिटल ऑबली करंट अकाउंट भी क्या किया बना दिया सब ओके है सारे हो गए <laughs> सॉरी सारे बन गए सब कुछ हो जाने के बाद ऐसा नहीं हो सकता है कि आगे कुछ मिस्टेक हो गया हो जो मैं पूछता हूं उसका जवाब दीजिए सच सच सच्चाई से क्या ऐसा हो सकता है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दीज क्या पॉसिबिलिटी है

to be treated and and some are treated wrongly कुछ क्या हो सकते हैं सम आर ट्रीटेड wrongly कुछ आइटम्स छूट गया उसकी एंट्री नहीं कर पाए और कुछ आइटम्स में क्या हुआ एंट्री तो किया लेकिन गलत एंट्री कर दिए ये पॉसिबल है कि नहीं बताओ जल्दी से यस सर पॉसिबल है ऑफकोर्स पॉसिबल है ऐसा होगा तो उन सारे आइटम्स के ट्रीटमेंट को उनको हम क्या कहें क्या उसको हम छोड़ दें जो गलतियां हो गई से हो गई नहीं उसको ठीक करेंगे ना टू रेक्टिफाई दो मिस्टेक्स आर कॉल्ड वॉट टू रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स आर कॉल यहाँ पे क्या कहलाएगा वो पास्ट एडजस्टमेंट हाँ वो अलग चीज वही चीज है मान लो रेक्टिफिकेशन ऑफ स है इसको पास्ट एडजस्टमेंट कह लो रेक्टिफिकेशन एलर कॉल अलग चीज एक ही बात है होता है यहाँ पे भी यही है दिस इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट तो पास्ट एडजस्टमेंट हम करेंगे कैसे पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे हम करेंगे सारे मिस्टेक्स को ध्यान में रख के एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे बाय पासिंग अ जर्नल एंट्रीज मान गए जी बच्चे बोलो ना क्यों नहीं बोल रहे क्या करेंगे हम लोग एक जन एंट्री पास कर देंगे एक जन एंट्री पास करेंगे उस जन एंट्री में सारी गलतियां ऑलरेडी क्या होगा इनकॉर्पोरेटेड होगा मतलब इंक्लूडेड होगा एडजस्टेड होगा तो इसके लिए क्या करना होगा इस सारे काम को करने के लिए इसमें दो काम करने पड़ते हैं एक बनाने पड़ते हैं वर्किंग नोट और वर्किंग नोट बनाना क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है सबसे इंपॉर्टेंट और दूसरा क्या बनाएंगे वर्किंग नोट के बाद क्या बनाएंगे बोलो जर्नल एंट्री ये दो काम ही मुझे करने होते हैं इसमें तो इसमें सारा का सारा काम मेनली किस पे डिपेंड करता है आपका वर्किंग नोट अगर वर्किंग नोट आपका सही बन गया तो जनरल एंट्री पास करना तो के खेल है बहुत आराम से हो सकता है तो इसमें ऐसा कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है जो मैं इसके लिए कोई अलग से कॉन्सेप्ट इसमें सवाल करके ही बात की जा सकती है तो आइए एक सवाल देखते हैं छोटा सा है सवाल सवाल करते जाएंगे और समझते जाएंगे क्या सवाल है सर पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली ध्यान समझना बात को दे आर फिक्स्ड कैपिटल वर वन लैख एंड फिफ्टी थाउजेंड रेस्पेक्टिवली फिक्स्ड कैपिटल है मतलब करेंट अकाउंट वाला सिस्टम चल रहा है फिफ्टी थाउजेंड रेस्पेक्टिवली पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ टेन परसेंट एनम पार्टनरशिप डीट क्या कर रहा है प्रोवाइडेड फॉर वॉट बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेन परसेंट पर फॉर द एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सिक्सटीन प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको गलती का अंदाजा हो चुका है गलती क्या हुआ है बता सकते हो क्या हुआ गलती बताओ हाँ और प्रॉफिट को बांट दिया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं बांटा गया और प्रॉफिट को बांट दिया गया तो सर क्या किया जाए अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो मुझे आता है पार्टनर्स को देना भी आता है नहीं देना आता है बस मुझे क्या करना है कि एक बहुत ही चालाकी से बहुत ही चतुराई से क्लेवरली मुझे एक एंट्री पास कर देना है और काम खत्म आई देखिए कैसे सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल लेंगे कम से कम ध्यान समझना क्या निकाल लेंगे बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता सक बता सकते हो कितना निकलेगा एक लाख पे टेन परसेंट कितना पी का हो गया टेन थाउजेंड और क्यू का क्या हो गया फाइव थाउजेंड दोनों मिला के कितना हो गया फिफ्टीन थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिफ्टीन थाउजेंड हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से दी जाती है प्रॉफिट से ना प्रॉफिट तुम्हारे पास कितना था न, नहीं दिया हुआ है फर्क नहीं पड़ता है कोई फर्क नहीं पड़ता है इसका मतलब है कि पार्टनर्स को क्या किया गया है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया तो क्या दिया गया प्रॉफिट ये फिफ्टीन थाउजेंड को प्रॉफिट के तौर पे प्रॉफिट के हिसाब से बांट दिया गया है अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो क्या दिया फिर बोलो ना क्या दिया प्रॉफिट दिया मैं फिर बोलता हूं अगर मान लो किसी पार्टनर को तुमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने से जो प्रॉफिट बच गया उस प्रॉफिट को क्या किया होगा पार्टनर को बांट दिया होगा किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किसे बांट दिया हो गया हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में फिर से क्वेश्चन फिर से पूछता हूं सुनो अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो उससे क्या हुआ पार्टनर को का डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया और उस डिविजिबल प्रॉफिट्स को क्या किया गया पार्टनर्स को बांट दिया गया किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एक बार फिर से पूछता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देने से डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ गया और उस डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स को बांट दिया गया किस रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गलती हुआ है ना नहीं हुआ गलती उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना चाहिए था उसको किसमें बांटना चाहिए था उसको तो कैपिटल रेशियो में बांटना चाहिए था क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल रेशियो में होता है देखो ना टेन थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड क्या है ये टू इज टू वन है और कैपिटल भी क्या देखो टू इज टू वन है तो जिस को हमने profit sharing ratio में दिया, उस प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना चाहिए था बल्कि कैपिटल रेशियो में बांटना चाहिए था पूरे प्रॉफिट को नहीं टिल द अमाउंट इक्वस टू तो फिफ्टीन थाउजेंड टिल द अमाउंट इक्वस टू तो वर्ट फिफ्टीन थाउजेंड तो अब क्या तो अब क्या करें उसको हम कोई बात नहीं गलती हो जाती है इंसान से क्या करें हम पार्टनर्स को बुलाएंगे और पार्टनर्स को कहेंगे भाई साहब ये है डेबिट और ये है क्रेडिट ये वर्किंग नोट कर रहा हूँ मैं आपको क्या कर रहा हूँ चलो वर्किंग नोट मैं यहाँ नहीं करता हूँ रजिस्टर पर कर देता हूँ रिल नंबर थर्टी सेवन है पार्टनर्स को बुलाऊंगा उसको कहूँगा भाई साहब ये है डेबिट और ये है क्रेडिट और ये है आप पी और ये है आप क्यों उसे बुलाएंगे कहेंगे ऐसा है कि आपको मुझे इंटरेस्ट देना था पंद्रह हजार का सॉरी कितने का दस हजार का और आपको देना था पांच हजार का ये मिला के इंटरेस्ट होता पंद्रह हजार तो पार्टनर बोलेगा दे दो ना क्या परेशानी है दे दो इंटरेस्ट आप मुझे तो अकाउंटेंट उसको समझाएगा मान लो आप अकाउंटेंट हो ये अकाउंटेंट कोई भी अकाउंटेंट हो सकता है अकाउंटेंट उसको क्या समझाएगा बताओ अकाउंटेंट कहेगा भाई साहब आपको तो मुझे इंटरेस्ट तो देना था इंटरेस्ट देने का मतलब आपके कैपिटल को क्रेडिट करना था लेकिन एक गलती हो गई क्या गलती हो गई ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए जो प्रॉफिट चाहिए था वो प्रॉफिट तो है ही नहीं क्या हुआ प्रॉफिट भाई क्या हो गया प्रॉफिट तो आपको ही बांट दिया प्रॉफिट तो आपको ही बांट दिया।, तो दिया तो अब ऐसा करना पड़ेगा आपसे प्रॉफिट लेना पड़ेगा अब फिर दोबारा से आपको इंटरेस्ट दे देंगे तो उसमें से एक पार्टनर कहेगा जब हमसे लेकर के हम ही को देना है तो छोड़ दो मेरे पास ऑलरेडी है जब हमसे लेकर हम ले ही को देना है तो क्या फर्क पड़ता है छोड़ दो ना तो फिर अकाउंटेंट को क्या समझाएगा कि भाई साहब आपको जो प्रॉफिट दी गई है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दी गई है और आपको जो इंटरेस्ट दी जाएगी वो किस में दी जाएगी बोलो कैपिटल इशू और उसमें फर्क आ सकता है हिसाब किताब में ऐसा नहीं चलेगा तो पंद्रह हजार आपसे वापस लेंगे साढ़े सात हजार आपसे लेंगे और साढ़े सात हजार आपसे लेंगे क्यों जी क्यों वापस लिया इक्वली क्यों वापस लिया क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ क्या लिखा हुआ है इक्वली लिया हुआ है देखो एक दो सवाल शुरू शुरू के आराम से कर लोगे ना तो बाद का सवाल बड़ा मजे से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बताओ ना बच्चा क्या किया मैंने जितना मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था उतना ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट उससे वापस ले लिया लेकिन वापस किस रेशियो में लिया बोलो जी बोलो वापस लिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस लिया किसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और दिया उसको किसमें कैपिटल रेशियो में क्योंकि इंटरेस्ट किस रेशियो में दी जाती है कैपिटल रेशियो में दी जाती है बहुत सारे पहले बता दूँ इसका नेट इफेक्ट वो क्या होगा नेट इफेक्ट नेट इफेक्ट में क्या होगा यहाँ पे पच्चीस सौ रुपया ज्यादा है और कौन ज़्यादा है क्रेडिट और यहाँ पे पच्चीस सौ रुपया कम है कौन कम है डेबिट 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 ज़्यादा जाद, है जो ज़्यादा वो लिखेंगे हम ऊपर में क्रेडिट ज़्यादा था और नीचे में डेबिट ज़्यादा है कोई गिला शिकुआ कोई दुख दर्द बताओ जल्दी से नो सर कोई परेशानी नहीं कोई समस्या नहीं देखो ना एक को डेबिट करेंगे दूसरे को क्रेडिट करेंगे एंट्री क्या पास कर देंगे करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास कर देंगे पूछो क्यों क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम है जिसको डेबिट करना है उसको डेबिट कर दो किसको डेबिट करना है क्यू को क्यूज़ करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करेंट अकाउंट मान गए जी बोलो क्यों नहीं बोलता हाँ नरेशन में लिख देंगे एंट्री Being adjustment entry passed on account of interest on capital not created earlier. Not created earlier. Being adjustment entry ऑन अकाउंट ऑफ of ioc not नॉट earlier मान गए जी बच्चा जल्दी बोलो यस yes, सर आप देखो कितने सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ मुझे जल्दी जल्दी जवाब चाहिए पहला क्वेश्चन क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा गया था पहले पहले नहीं बांटा गया था गलती क्या हुई है गलती क्या हुई है वॉट इज द मिस्टेक कमिटेड मिस्टेक क्या हुई है आईओ huh? सी को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले सारा का सारा प्रॉफिट को बांट दिया गया दूसरा क्वेश्चन प्रॉफिट्स आर गिवन टू द पार्टनर्स इन विच रेशियो प्रॉफिट्स आर गिवन टू द पार्टनर्स इन विच रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू दार्टनर्स इन विच रेशियो कैपिटल रेशियो इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल रेशियो सेम मे बी और मे नॉट बी जरूरी नहीं है मे बी और मे नॉट बी राइट न अगर यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता तब तो कोई मिस्टेक होता ही नहीं सेंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैपिटल रेशियो आर डिफरेंट दैट्स वाई वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री टू द एरर्स बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम पार्टनर्स आर इन गेन एंड इन लॉस इज एन इट किसी को फायदा हो गया किसी को नुकसान हो गया तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वी हैव टू मेक वॉट एन एडजस्टमेंट टेबल एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेबल वी हैव टू पास एन फाइनल एडजस्टिंग एंट्री पास करना पड़ेगा आपको तो क्या होगा जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको बांट दी गई है नहीं बांटी गई सॉरी उतने अमाउंट के प्रॉफिट को पार्टनर से वापस लिया जाएगा प्रैक्टिकली वापस नहीं लिया जाएगा बल्कि डेबिट की जाएगी उसको प्रैक्टिकली जाके उसके घर से पैसे उठा के नहीं लाएंगे हम डेबिट करेंगे उसको हिसाब किताब करेंगे सेवेंटी फाइव हंड्रेड उसको डेबिट किया गया सेवेंटी फाइव हंड्रेड दूसरे को डेबिट किया गया इक्वली क्यों क्योंकि यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन गोट इक्वल और फिर इस प्रॉफिट जो आया है पंद्रह हजार की उसको पार्टनर्स को बांट दिया गया इंटरेस्ट के रेशियो में कैपिटल के रेशियो में टेन थाउजेंड फिफ्टीन फाइव थाउजेंड टोटल फिफ्टीन थाउजेंड और नेट इफेक्ट में क्या देखा हमने कि वन ऑफ द पार्टनर हैज गॉट व्हाट क्रेडिट बैलेंस एंड अदर पार्टनर हैज गॉट व्हाट डेबिट बैलेंस बात समझ गए उसकी हमने एक एंट्री पास कर दी अगर ये एक छोटा सा सवाल आपने समझ लिया ना तो समझ लो एडजस्टमेंट की बहुत सारी कहानी आप समझ गए बहुत सारी कहानी समझ गए मान गए जी यस सर आइए जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं इसको लिख लिया आपने क्या देखा ये एंट्री पास करना मुश्किल नहीं था मुश्किल था क्या एडजस्टमेंट टेबल और उसमें भी समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था यहाँ तो एक ही एडजस्टमेंट था इसलिए आराम से हो गया अभी देखते हैं और क्या क्या एडजस्टमेंट आते हैं एडजस्टमेंट नरेशन में कुछ भी लिख सकते हो एडजस्टमेंट ऑफ ऑपिश ऑमिशन ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ ऑमिशन ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल ठीक है देखो इसने कितना लंबा चौड़ा एडजस्टमेंट टेबल बनाया है ये गलत बात है इतना करना चाहिए क्या आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है मेरा काम तो बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया मान गए मेरा काम तो बहुत सिंपल थे हालांकि इतने लंबे चौड़े एडजस्टमेंट टेबल की मुझे ज़रूरत पड़ सकती है जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे आपको लेकिन सिंपल सवाल में सिंपल तरीके से कर लेंगे आगे है थर्टी एट सवाल पाइए थ्री एट पे एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड रेशियो ऑफ टू इज टू इज टू वन बट दिप डीड वॉज साइलेंट एज टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया प्रॉफिट को बांट दिया किस रेशो में बोलो वन में बांटना कैसे चाहिए उसको इक्वली बांटना चाहिए था अगर अगर एडजस्टमेंट नहीं दे रखा तो कैसा बांटना चाहिए था इक्वली बांटना चाहिए था और बांट दिया टूरिस्ट टूरिस्ट टू वन में तो क्या करेंगे हम हाँ अब फिर वही काम करेंगे यहाँ पे पहले बनाएंगे डेबिट फिर क्रेडिट पार्टनर का नाम क्या है एक्स वाई जेड एक्स वाई एंड जेड जो प्रॉफिट उनको बांटा हमने टू इज टू टू इज टू वन के रेशियो में वो उनसे उसी रेशियो में वापस ले लेंगे कहेंगे भाई साहब गलत हो गया गलती हो गई आपसे आपसे नहीं मुझसे मतलब अकाउंटेंट से गलती हो गई है एक लाख पचास हजार का प्रॉफिट को बांट दिया गया टू इस टू टू इस टू वन में और ये मिस्टेक हो गया है मुझे इस रेशो में नहीं बांटना था मुझे एक लाख पचास हजार को टू इज टू टू इज टू वन के रेशो में नहीं बांटना था बल्कि इक्वली बांटना था मुझे वापस करो आप वापस करो जी वापस करो वापस करो डेबिट करो कितना होगा बताओ थे थे। नहीं नहीं पहले चलो ना एक ही बात है चलो लोग तुम एक क्या करना चाहते हो सुनो चलो ऐसे समझना चाहते हो क्या सर एक लाख पचास हज़ार को क्रेडिट कर दो इक्वली कर दो चलो एक लाख पचास हज़ार को किस में बांटना चाहिए था क्रेडिट करना चाहिए मतलब बांटना चाहिए था तो, तो किस रेशियो में बांटना चाहिए इक्वली बांटना चाहिए कितना कितना होगा फिफ्टी थाउजेंड एक को मिलना चाहिए था फिफ्टी थाउजेंड दूसरे को मिलना चाहिए था नहीं नहीं अरे भाई क्रेडिट तो मतलब ये होता है कि जो उसको मिलना चाहिए लेकिन एक लाख पचास हज़ार उसको हम देंगे कहाँ से ये सारा प्रॉफिट तो ऑलरेडी उससे हम बांट चुके हैं किस रेशियो में टू इज टू एज टू वन में आप कंफ्यूज कर रहे हो बच्चा तो सिक्सटी थाउजेंड एक से वापस करेंगे सिक्सटी थाउजेंड दूसरे से वापस करेंगे थर्टी थाउजेंड तीसरे से वापस करेंगे उसको वापस करना होता मतलब डेबिट करना उसको हम थर् सिक्सटी सिक्सटी एंड थर्टी डेबिट कर देंगे डेबिट करने के बाद जो प्रॉफिट मेरे पास आएगा उस प्रॉफिट को फिर से क्या करेंगे हम पार्टनर्स में बांट पार्ट देंगे नई बात समझे पहले बताओ पहले किस में पहले किस रेशो में बांटा गया ये बताओ जब पहले गलती करी गई है तो उसे वापस लोगे ना वापस लेने का मतलब क्या होता है वापस करने मतलब डेबिट करना होता था जिस रेशियो में दिया था उसी रेशियो में वापस लोगे तो सिक्सटी सिक्सटी एंड थर्टी वापस ले लिया और बाद में उसको इक्वली दे दिया उसको अब यहाँ पे करेंगे नेट इफेक्ट नेट इफेक्ट क्या होगा टेन थाउजेंड क्या होगा डेबिट टेन थाउजेंड क्या होगा डेबिट ट्वेंटी थाउजेंड क्या होगा क्रेडिट मजा आ गया देखो टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड डेबिट डेबिट एंड क्रेडिट कोई दिक्कत है बच्चे जल्दी बोलो नो no, सर अब आप एक जन एंट्री पास कर सकते हैं खूबसूरत सा एंट्री बोलो ना क्या एंट्री पास करेंगे एक्स मज़ा आ गया डेबिट डेबिट टू बोलो टू 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 सॉरी हाँ टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितना होगा बताओ टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड यहाँ पे नायरेशन लिख दो फटाफट जो भी गलतियाँ हुई है उसको बना कर नारेक्शन लिख दो कोई दिक्कत है बच्चे यहाँ तक बोलो जल्दी से नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक आ जाओ जी अगले सवाल पे आ जाओ यहाँ तक मज़ा आ गया यस सर थर्टी नाइन पे आ जाओ ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली थ्री टू शीट ऑफ द फर्म ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च बहुत अच्छी बात है प्रॉफिट ऑफ थर्टी थाउजेंड फॉर दर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉज डिड बिटवीन दस विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल प्रॉफिट को बांट दिया गया लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा ही नहीं गया यहां पे सिर्फ सिंगल गलती नहीं यहां पे एक और गलती है सैलरी वन थाउजेंड की नहीं दी गई किसको ए को ड्यूरिंग ईयर ए विध टेन थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड ड्रॉइंग से मुझे यहां कोई मतलब नहीं है बस मतलब किस बात से है कि प्रॉफिट को बांट दिया गया विदाउट अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्वेल्व परसेंट परिणाम एंड सैलरी टू ए वन थाउजेंड पर मंथ ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा गया ना सैलरी दिया गया क्या किया गया, गया? दिया, मतलब प्रॉफिट को बांट दिया गया राइट right, जी पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जन एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली शो योर वर्किंग क्लियरली ठीक है जी आगे बढ़े यस yes, सर क्या करेंगे सब कुछ सेम मज़ा तो है तो सब कुछ सेम रहेगा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा सारा एडजस्टमेंट एंट्री वही होगा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा सब वही रखेंगे सब वही एक को डेबिट करना दूसरे को क्रेडिट करना क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं डेबिट यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट पार्टनर कौन कौन से हैं ए और बी है ए को और बी को क्या क्या मिलना चाहिए था इंटरेस्ट आप देखो तो यहां पे क्या हुआ है यहां पे दो एडजस्टमेंट एक साथ आ गया है आ गया ना एक एडजस्टमेंट तो नहीं है तो अब इस प्रकार का टेबल शायद ना चल पाए मैं इस प्रकार का टेबल बनाऊंगा ये लिखूंगा ए और ये रखूंगा बी यहां करूंगा डेबिट यहां करूंगा क्रेडिट यहां भी डेबिट यहां भी क्रेडिट समझ गए इस तरह का टेबल बनाऊंगा मैं अब, अब बताओ एक चीज ध्यान से यहां पे लिखता हूं मैं सबसे पहले आई ओ सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सच सच बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को डेबिट होता है क्रेडिट होता है हाँ और यहां पे ना मुझे एक चीज और बनाना पड़ेगा एक और बनाता हूं मैं फॉर्म यहां पे लिखता हूं मैं डेबिट इसको फर्म मत समझो इसको समझो पी एन एल प्रश्न अकाउंट सीधी सी बात क्या समझो इसको लिखा मैंने फॉर्म लेकिन समझो पी एन प्रश्न अकाउंट अब ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा बी को मिलेगा लेकिन फर्म में क्या होगा डेबिट होगा आईओसी ओ कि कितनी अमाउंट डेबिट होगी यहां पे सर मतले मतलब गए हाँ चलो आई सी पहले निकालो कितना हुआ आई सी निकाला कितना आया बोलो एक पार्टनर का आई कैपिटल कितना है नहीं आईओसी आईओसी हमेशा निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे यहाँ वर्किंग नोट लिखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके लिए क्लोजिंग कैपिटल क्या दे रखा है बताओ ए और बी का बैलेंस शीट थर्टी फर्स्ट मार्च की है तो क्लोजिंग कैपिटल साठ एंड बीस ओपनिंग निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स और लेस करेंगे प्रॉफिट्स ऐड ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट क्योंकि प्रॉफिट भी बांट दिया गया है तो ड्रॉइंग्स बताओ कितना है एक का ड्राॅइंग है टेन थाउजेंड दूसरे का ट्वेंटी थाउजेंड है ना जी बच्चे देखो प्रॉफिट कितना बांटा गया है प्रॉफिट है प्रॉफिट है प्रॉफिट है थर्टी थाउजेंड उसको थ्री इज टू में बांट दिया गया है कितना होगा अठारह हजार एंड बारह हजार अब अगर इसको एडलेस करेंगे तो आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल क्या आएगा ओपनिंग कैपिटल बताओ तो कितना आएगा सत्तर में से अठारह गया आईओसी भी दिया कहां है पार्टनर को अभी पार्टनर्स को आईओसी सी कहाँ दिया गया है अभी मुझे ओपनिंग हाँ ओपनिंग कैपिटल निकालना है ना जो दिया गया वही वापस लेंगे वही ऐड करेंगे ड्राइंग को ऐड करेंगे प्रॉफिट को लेस करेंगे और कुछ हुआ नहीं अभी तक बताओ कितना हो गया फिफ्टी टू फिफ्टी टू थाउजेंड दूसरा कितना हुआ एट्टी एट कैसे हो गया आठ हजार माइनस होगा ना फिफ्टी टू थाउजेंड हाँ ये कितना होगा बीस बीस चालीस में से बारह गया ट्वेंटी एट थाउजेंड अब इस पे निकालो क्या आईओसी कितना परसेंट है बारह परसेंट है सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है बारह परसेंट है बारह परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो कितना आता है फिफ्टी टू थाउजेंड का ट्वेल्व परसेंट कितना आएगा फोर्टी इसका कितना आएगा थ्री थ्री सिक्स जीरो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए था ए में क्रेडिट होना चाहिए था कितना सिक्स टू फोर जीरो और बी में क्रेडिट होना चाहिए था थ्री थ्री सिक्स जीरो और फार्म में डेबिट होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था दोनों मिला के देख लो या अलग अलग कर लो कितना हो गया छः तीन नौ हजार पाँच सौ एक छः सौ नाइनटी सिक्स हंड्रेड डेबिट होना चाहिए था फार्म मतलब पी एन एल होता है फार्म को सीधे समझो पी एन एल ठीक है जी बोलो जल्दी से यस सर बड़ा अच्छा हुआ है यहाँ तक जहाँ जहाँ खाली वहाँ डैश कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात किसकी बात करो सैलरी की सैलरी किसको मिलना चाहिए सैलरी मिलना चाहिए को कितना मिलना चाहिए वन थाउजेंड पर मंथ तो कितना हो गया बारह हज़ार हो गया तो बारह हजार इसको क्रेडिट होना चाहिए था यहाँ कुछ नहीं यहां कुछ नहीं यहां कुछ नहीं और बारह हजार यहाँ पे डेबिट होना चाहिए मान गए यस सर यस सर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बस हो गया और कुछ नहीं है बस वही एडजस्टमेंट था अब एक बात जवाब दो मुझे यहाँ पे फॉर्म में जो आपने डेबिट किया है तो फर्म को अपने डेबिट को पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए फॉर्म के पास फॉर्म के पास प्रॉफिट भी होना चाहिए फर्म में कुल मिला कितना डेबिट हो गया देखो कितना हो गया इक्कीस हजार छ सौ अब ये ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फॉर्म के पास प्रॉफिट होता तभी तो फर्म ये सारा काम कर पाता बोलो या नो लेकिन प्रॉफिट फॉर्म के पास तो है नहीं प्रॉफिट हुआ क्या प्रॉफिट कहां गया फॉर्म के पास तो प्रॉफिट नहीं है प्रॉफिट है कहां ओह अरे बाबा ये ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड की प्रॉफिट फॉर्म के पास नहीं है फर्म का प्रॉफिट गया फर्म ने अपने सारे प्रॉफिट को पार्टनर्स को बांट दिया कैसी बात करते हो नहीं बांट दिया बांट दिया तो अब उससे वापस लेने होंगे और जब प्रॉफिट वापस लेंगे तो किस रेशियो में लेंगे बोलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेंगे तो ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड को अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वापस लिया जाए इसको भी डेबिट किया जाए इसको भी डेबिट किया जाए तो क्या होगा देखो थ्री टू है डिवाइड करो कितना आता देखो पांच से डिवाइड करो दो से मल्टीप्लाई तीन से मल्टीप्लाई बताओ कितना होगा हाँ बोलो पूरा क्यों निकाल अलग निकालो ना कितना आया हाँ कितना ट्वेल्व थाउजेंड और इसका एट सिक्स हाँ एट सिक्स फोर जीरो ट्वेल्व थाउजेंड नाइन सिक्सटी डेबिट करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे पूरा पूरा और डेबिट किसको करेंगे क्रेडिट तो फॉर्म को क्या डेबिट किसको करें बताओ कहाँ यहाँ पे डेबिट का कॉलम एक बनाना चाहिए और ना हाँ रुक जाओ रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ हाँ यहाँ बताओ कितना डेबिट होगा यहाँ बताओ वन टू नाइन सिक्स जीरो और यहाँ फोर जीरो और दोनों मिला क्रेडिट कितना हो गया इक्कीस हजार छ सौ इक्कीस हजार छः सौ आप देखो फॉर्म का डेबिट एंड फॉर्म का क्रेडिट मैच कर जाएगा फॉर्म में यहाँ कितना आया इक्कीस हजार छह सौ फर्म में यहाँ भी कितना है इक्कीस कि हजार छः सौ है ना अब क्या करो ये पूरा डेबिट देखो कितना है और ये बताओ कितना है क्रेडिट कितना है बारह छः अठारह हज़ार अठारह हज़ार दो सौ चालीस ये कितना एट सिक्स फोर जीरो और ये थ्री थ्री सिक्स ज़ीरो और ये तो मैच कर ही गया है तो अब आप मुझे बताइए कि नेट इफेक्ट में क्या आ रहा है नेट इफेक्ट में ए में क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है नहीं आ रहा है देखो अठारह हज़ार टू फोर्टी में से बारह हज़ार नौ साठ माइनस कर दो क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो तो बताओ क्या आ रहा है कितना आ रहा है देखो eighteen thousand two forty minus twelve thousand nine sixty. Hello, yes. Five thousand seven twenty is iska credit. Five two एट जीरो आया इसका इधर देखो कितना आ रहा है आ रहा है यहां भी वही आ रहा है फाइव टू एट जीरो डेबिट सारा कट कटा करके सब कुछ हो गया अल्टीमेटली क्या बचा ए को क्रेडिट मिलना चाहिए और बी को डेबिट मैंने बी के कैपिटल कम होंगे और ए के कैपिटल क्या होंगे बढ़ जाएंगे मान गए तो ये था हमारा एडजस्टमेंट मैंने पहले ही कहा था कि एडजस्टमेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा आंसर वाला हिस्सा तो समझ लो छोटा सा है क्या करोगे जैन एंट्री पास एस बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट ए इज कैपिटल अकाउंट कितना होगा फाइव टू एट जीरो और यहाँ क्या होगा फाइव टू एट जीरो मजा आ गया कोई दिक्कत बताओ नो no, सर ये पूरी कहानी है ये पूरी कहानी है एडजस्टमेंट की अब आ जाओ देखो कितना सुंदर सवाल था कितना अच्छा सवाल था अब आपको मैं कुछ सवाल करने दे रहा हूँ दोनों करने बढ़िया सवाल को ये फोर्टी एथ है देखिए फोर्टी वन है आगे के सवाल थोड़े बड़े बड़े होते जाएंगे फोर्टी टू है और इसको करना है करना है सबको सबसे भीड़ जाना बिल्कुल इसके साथ छोड़ना नहीं है इसको आज तो पॉली क्लास इसलिए सिंपल सवाल हुआ है यही तो इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है इसके बाद गारंटी दूसरा मेन टॉपिक है और यहां कमी रह गया तो कैसी बात बनेगी तो आपको कहां पहुंचना है फोर्टी एक दो सवाल करके आना ट्राई आपको देखिए फोर्टी क्या कहता है ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन द बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ आशा निशा एंड दिशा आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है जस्ट लाइक like अभी मैंने कराया आपको और क्लोजिंग कैपिटल में किसकी किसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है बोलो जरा किसकी किसकी हो चुकी है प्रॉफिट की एडजस्टमेंट हो चुकी है और की हो चुकी है प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट हो चुकी है यस yes, सर आगे है सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओ गॉड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नोमिटेड यहाँ कैपिटल भी है और ड्रॉइंग भी है कोई दिक्कत नहीं है इंटरेस्ट ऑन in ड्रॉइंग निकाल लेंगे निकालने का तरीका मुझे पता ही है पार्टनर्स वर वाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेन परसेंट पार्टनर्स में क्रेडिट फर्म मै डेबिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल वर्किंग नोट में जैसे अभी मैंने किया था वो, बहुत ही आसान सवाल है कर लोगे पक्का बात है पक्की बात है कर लोगे आप पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या बात है जी ड्रॉइंग का ड्रॉइंग इंटरेस्ट निकालना मुश्किल काम नहीं है द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर आशा अनिशा आशा का ड्राइंग कितना फिफ्टी थाउन निशा कितना सिक्सटी थाउन दिशा कितना थर्टी थाउंड कोई दिक्कत है बोलो नो no, सर सबके ड्राइंग्स दे रखे हैं आशा निशा के उसमें से निकालोगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन अमाउंटेड रुपीज वन लैख मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ बिलीव करता हूँ मुझे विश्वास है कि आप ये सवाल कर लेंगे कुछ नहीं है पहला वर्किंग नोट क्या करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस उस पर निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट सेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वैसे ही निकाल लोगे आप ड्राइंग का टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है तो क्या मानोगे ड्यूरिंग द ईयर और हाफ कर दोगे मान गए यस सर अगर यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टेन परसेंट फिक्सड लिखा होता तब तो कुछ करना ही नहीं जाता टेन तो परसेंट तो ले लेते आप करके तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट पार्टनर्स को क्रेडिट एंड फार्म को डेबिट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स को डेबिट पार्टनर्स डेबिट फार्म को क्रेडिट फर्म में नेट इफेक्ट निकाल लेंगे जितना नेट इफेक्ट आएगा वो नेट इफेक्ट प्रॉफिट में से निकालेंगे मान गए और वो प्रॉफिट क्या करेंगे फार्म को क्रेडिट और पार्टनर्स को डेबिट फॉर्म का जितना नेट इफेक्ट आएगा वो प्रॉफिट फर्म में क्या कर देंगे क्रेडिट और पार्टनर्स में क्या कर देंगे डेबिट कई बार समझा रखा है फोर्टी सवाल ट्राई कीजिए कम से कम फोर्टी फाइव तक तीन चार सवाल तो ज़रूर आपको करके आना चाहिए मान गए जी तीन चार सवाल हाँ वो करके आना चाहिए वैसे भी कल भी तो अकाउंट्स की क्लास ही है ना हाँ कल तो अकाउंट्स की है और संडे को मैं आपका इकोनॉमिक्स की क्लास ले लूँगा ठीक है यस सर कुछ भी क्लास हो रहा है क्लास बढ़ ही आगे ना ठीक है कुछ पूछना है यहाँ तक बताइए यह पांच क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दिया है चालीस से पैंतालीस तक करके आना है कसम आपको करके आना है हाँ ऐसे तो बहुत क्लास लग जाएगा अगर क्वेश्चन नहीं करोगे तो ओके okay जी क्या कहते हैं गॉड ब्लेस यू ऑल टेक केयर बाय बाय एंड सी यू